तरनम तो तेरे हाथ से निकल गई, वैसे भी तू इसके बारे में कहां सीरियस था बोल के? हमारे बाबा बोले थे, जहां कारोबार करते वहां आशिकियां नहीं करना। नादी देखा फोन आ रहा देख। हाँ मुज्जू भाई। क्या हुआ मियां, कुछ हुआ? यहाँ पहले परेशान हूँ भाई मैं, शाम तक का टाइम दो बोलता हूँ। शाम तक के आसमान से कोई परी उतरने वाली है, शाम तक जवाब देता हूँ मरा। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो एक मर्तबा तरनुम से बात करके देखूं क्या? क्या बोला? कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज कमिटमेंट ये सब गुलाबी राणा अपने ग्रुप में नहीं, सामने वाला कितनी भी नोट डालने दो। हेलो तरन्नुम। अरे क्या तरन्नुम, दोस्तों ने तुम्हारी मुसीबत के वक्त पूरा साथ दिया और जब दोस्तों को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम अपना ईगो दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए ये इवेंट पे आऊंगी, लेकिन ये इवेंट मेरी जिंदगी का आखिरी इवेंट होगा और मैं कोई आइटम सॉन्ग नहीं गाऊंगी। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है हमें। कब है ये इवेंट? इसी सैटरडे। हो गया। हेलो मुज्जू भाई। क्या हुआ मियां? डील ओके समझो। मेरे साथ उशारी करेंगे बेटा, घाघरा चोली पहना के मुजरा कराऊंगा। मुजरा तो तेरा कराऊंगा रे मैं, वो भी मैली साड़ी पहना के, अगर तू जर्रे भी उशारी करा तो। चल। जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवान। अरे मियां, ये जो जवान है ना, ये सीखते सीखते मैं बचपने से जवान हो गया। क्या बात है भाई? क्या बात है जी भाई? जरा हंस के सॉरी क्या बोल दिए? तुम फ्रीच हो गए बगैर इजाजत के, बार बार घर को आ रहे। हा? माफ करना, आइंदा से इजाजत लेके आऊंगी। आइंदा से मतलब क्या? पोलियो ड्रॉप वाले हैं, घड़ी घड़ी घर को आने। आप अपनी ईगो में आके 5 से 6 लोगों की रोजी रोटी के दरवाजे बंद कर दिए। अच्छा, उस रात के अटैक का एक्सग्रेशन लेने आए? दूसरों की रोजी रोटी के दरवाजे बंद करना, उन पे सेंशन लगाना, यही रह गया ना आपका फर्ज? ऐसे मौके पर क्या डायलॉग मान रहा? भाई को नहीं मालूम, भाई की तरफ से शट अप। आप लोग सिर्फ अपनी ताकत कमजोरों पे दिखाते हैं, हिम्मत है तो देश के दुश्मनों पे दिखाइए अपनी ताकत। अब हमारे पे इतना बुरा वक्त आ गया, आप जैसी महफिल की शमा हमारे को रास्ता दिखाएंगी? अरे यहाँ आते कई कू, रोके जाते कई कू, हमारा मूड खराब करते कई कू। अरे मियाँ, कोई सैड सॉन्ग याद है तेरे को? है ना, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे। हम रोए तो दुनिया हंसती, और हमारा मोम का दिल देखो, एक औरत के दो आंसू नहीं सह सकता। ये बैलों को देखो कैसा घोड़े बेच के सो रहे, ये नींद नहीं आई तो रात मालगाड़ी के जैसी लंबी दिखती। अरे कौन है जी इतनी रात को? अरे इन्हें, अरे तुम मियाँ अंदर आए कैसे? अरे उठो, पुलिस को बुलाओ, शोर मचाओ, कैसे आदमी हो जी तुम? ओ आंटी, मेरे को नींद नहीं आ रही तो तुम्हारी बेटी को सवारी बोलने आया, समझे ना? अरे बड़े अजीब आदमी है आप, आपको नींद नहीं आई तो हमारी नींद खराब कर देते। अरे बेटा, तरुणम उसके मामू के यहाँ गई है, उसके आते तुम्हारा सॉरी बोलती हूँ, अब आप जाओ यहाँ से। अरे इतनी रात को आप यहाँ कैसे? क्या झूठे अम्मा बाबा पाल के रखे, अभी आप नहीं है बल्कि बढ़ा दे रहे थे मेरे को, आपको सॉरी बोलने आया था मैं, चलता हूं। जरा घर तक छोड़ देते क्या, रास्ते में कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। फिर मुझे कौन छोड़ेगा, मैं हूं ना। ओ
औरत को अपनी बहन नहीं समझता तो कम से कम उसकी इज्जत करना सीख। तू क्या समझता उसको, बीवी या बहन? अगर कोई इस महफिल में इससे शादी करके अपनी बीवी बनाने तैयार है तो मैं अभी इसी वक्त उसको अपनी बहन बनाने तैयार हूं। जो औरत जो लड़की मजबूरी में महफिल की शमा बनती है उसके पास भी हया नाम की एक चीज होती है, और हम जैसे बदमाश लोग पहले तो उसको मजबूर करते हैं लाज शर्म छोड़ के महफिल में आने के लिए, और फिर उसे अपने इशारों पे नचाते हैं। आज तक यही होते